पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा और शिव भक्तों ने भगवान शिव का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। मुरादाबाद के काशीराम नगर स्थित शिव शक्ति मंदिर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। शिव भक्तों ने अपनी बारी का इंतजार करते हुए शिवालय पहुँचे और सभी ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। बड़ी संख्या में भक्तों ने जल लेकर भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। वहीं महानगर के विभिन्न मंदिरों में भी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। शिव मंदिरों में भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में फलों का वितरण किया गया, जिसे भक्तों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस अवसर पर शिव शक्ति मंदिर समिति के अध्यक्ष गजराम सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चंद्र रावत, उपाध्यक्ष श्री अवतार गंगवार, मंत्री राजेंद्र कुमार भदौरिया, उपमंत्री हरगोविंद सिंह, कोषाध्यक्ष हरीश कुमार, ऑडिटर विवेक शुक्ला, सदस्य मुकेश कुमार, दुष्यंत रमेश चंद्र, राजेंद्र दिवाकर और हरिओम दीक्षित सभी का कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोग रहा। देखिए, यहाँ पहले तो महाशिवरात्रि पर्व में सभी काशीराम वासियों को बधाई देता हूँ और यहाँ काशीराम नगर में ई ब्लॉक में शिव शक्ति मंदिर पीपल वाला ये 2 साल से यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से इसमें बहुत विकास हुआ है और सहयोग हुआ है लोगों का। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 4 बजे से मंदिर प्रांगण में जल चढ़ाया जा रहा है, प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और लगभग 500-600 भक्त दर्शन करके जा चुके हैं। क्या कहेंगे शिव भक्तों के लिए? देखिए, काशीराम जैसे नाम था लेकिन हमारे मंदिर का बहुत बढ़िया उद्घाटन हुआ यहाँ और सभी लोग बहुत सहयोगी हैं। हमारे काशीराम वासियों ने चढ़कर हिस्सा लिया है और अतिरिक्त दान भी दिया है, जिसमें तन मन धन सभी का सहयोग हुआ है और आज मंदिर इस भव्य रूप में आया है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और यहाँ लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं और उनकी भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्त यहाँ पे दूर दूर से आए रहे और प्रातःकाल 4 बजे से मंदिर प्रांगण में बहुत भीड़ है और शाम काल का भी कार्यक्रम का रखा गया है, जिसमें महाकाल की भव्य आरती का आयोजन है, जिसमें महाकाली, काल भैरव, श्री हरसिद्धि मैया, गढ़काली इन सभी का दरबार अतिक्रम सजाया गया है, जिसमें भव्य आरती का आयोजन करा जाएगा, जिसमें चरणामृत का प्रसाद एवं खीर का प्रसाद का वितरण है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी श्रद्धालुओं से कि वे अत्यधिक प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा बनाएं और कहीं भी जाएं या कहीं भी किसी भी स्थान पर जाएं तो वहां पे प्रभु को अवश्य अपना नमन अवश्य करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।